जय हिंद। मैं अंशिका और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आदित्यपुरम। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाई हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एशियाई कबड्डी चैंपियन का खिताब जीत लिया है, यह किस देश में आयोजित की गई थी? इसके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है साउथ कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन सी है थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में इसे आयोजित किया गया था और इसके विजेता रहे थे भारत। भारत जो है, भारत ने ईरान को हरा के इस खिताब को जीता था। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये भारत का कौन सा खिताब था, तो ये भारत का 8वां खिताब था। और ये भारत के अगर पूछा जाए ये सभी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के कैप्टन कौन है, तो इसके कैप्टन है पवन सरावत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 28 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी है 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून। 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रूस के बैकाल झील के पास एक क्षुद्र ग्रह का मलबा गिरा था। इस वजह से ही 30 जून के दिन गिरा था, इसलिए 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। यूएसए की एक कंपनी है सेमीकंडक्टर चिप वो बनाती है, उस कंपनी का नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। उस कंपनी के साथ भारत का समझौता हुआ है और फिर गुजरात में सानंद जिले में चिप विनिर्माण संयंत्र का स्थापना किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 85, ऑप्शन डी है 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके फर्स्ट रैंक पे इसमें कौन था, तो इसके फर्स्ट रैंक पे था अर्जेंटीना, सेकेंड रैंक पे था फ्रांस और थर्ड रैंक पे था ब्राजील। फर्स्ट रैंक पे था अर्जेंटीना, सेकेंड रैंक पे फ्रांस, थर्ड रैंक पे था ब्राजील। और भारत का 100वां रैंक था। अगर आपको पता है कि पाकिस्तान का कितना रैंक था, तो पाकिस्तान का 201वां रैंक था। पाकिस्तान का 201वां रैंक था और भारत का 100वां रैंक था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसे हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है वी वेणु, ऑप्शन बी है अजय भटनागर, ऑप्शन सी है कुलदीप तेनेजा, ऑप्शन डी है अर्जुन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय भटनागर। अजय भटनागर को सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। थैंक यू। आज का सेशन यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो।